हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो सेशन लेकर के। और इस वीडियो सेशन के माध्यम से मैं बात करूंगा CDPO PPSC प्रीलिम्स का आंसर की। देखिए, अभी आंसर की डिस्कस करने का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है, बट मेन मोटो जो है, मेन जो मुख्य उद्देश्य है इस सेशन को स्टार्ट करने का, इस वीडियो को बनाने का, वो ये है कि इस क्वेश्चन पेपर को देख करके PPSC के एस्पायरेंट्स काफ़ी दुखी है। मतलब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ें ताकि हम हिस्ट्री में स्कोर कर सकें। जो हिस्ट्री अभी ये जो 8 तारीख को हिस्ट्री पूछा गया था और जो 15 तारीख को हिस्ट्री पूछा गया, उन दोनों में ज़मीन और आसमान का फर्क है। इसलिए बच्चे इस दुविधा में फंसे हुए हैं कि 8 तारीख के हिसाब से तैयारी की जाए हिस्ट्री का, जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन करेक्ट हो जा रहे हैं, या 15 तारीख की जो ऐसे स्टेटमेंट क्वेश्चन अननोन सोर्सेज से पूछ दे रहा है कि मतलब उसका सोर्स भी बहुत सारे स्पायरेंट्स को पता नहीं चल पा रहा है। तो ये काफ़ी दुविधा वाली सिचुएशंस हो गई है, तो उन सिचुएशंस को भी डील करेंगे और साथ भी आंसर की बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि किस तरीके से वो कौन सी रणनीति रहेगी जिसमें आप देखिए अच्छे तरीके से उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाएंगे जिनका आपने कभी अध्ययन नहीं किया है, जिनको आपने कभी नहीं पढ़ाया है। तो मुख्य उद्देश्य बेसिकली BPSC का प्रीलिम्स जो अब जब भी हो, जुलाई स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में या फिर जून लास्ट के संकेत मिल रहे हैं ऑफ कोर्स सोर्सेज से, तो जून लास्ट वीक में होगा, होने के चांसेस हैं, या फिर जुलाई 15 से पहले मोस्ट प्रोबेबली BPSC कंडक्ट करा लेगा BPSC प्रीलिम्स का एग्जाम, 67 BPSC प्रीलिम्स का एग्जाम। तो अगेन आई एम एम्फसाइजिंग द पॉइंट दैट मेन मोटो ऑफ दिस वीडियो सेशन इज टू हेल्प यू सॉल्विंग द क्वेश्चन स्पेशली इन BPSC प्रीलिम्स, 67 BPSC प्रीलिम्स। सो लेट्स बिगिन द सेशन। यहाँ फर्स्ट ये बिफोर वी बिगिन, ये जो है वो डी सेट का क्वेश्चन पेपर है, ऑलराइट। तो डी सेट, और इसके अकॉर्डिंगली आप अपना मैच कर सकते हैं, वो तो क्वेश्चन का आंसर से भी आप मैच कर सकते हैं, बट ये डी सेट का है। सो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ ये डी सेट का है। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है स्क्रीन पे, आफ्टर यूनाइटिंग इंडिया ही वांटेड टू यूनाइट मिड ईस्ट एंड वेस्टर्न एशिया विथ हिम एज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टूवर्ड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए वर्ल्ड एम्पायर। देखिए, ये बातें RP त्रिपाठी जो कि हिस्टोरियन है, इन्होंने मुगल इंडिया के किस रूलर के बारे में, किस शासक के बारे में ऐसा लिखा हुआ है। फ्रेंड्स देखिए, बाबर और शेरशाह सूरी तो ऐसे भी नहीं हुआ क्योंकि मुगल इंडिया का शासक नहीं था, तो आइदर इट विल बाबर ने बहुत दिन तक रूल नहीं किया, तो इतना बड़ा एम्पायर का इस्टेब्लिश करने का सोच भी नहीं सकता, और उसके टाइम पे तो यूनाइट भी नहीं हुआ था मिड ईस्ट और वेस्टर्न एशिया। तो ये जो था, ये अकबर के बारे में इन्होंने लिखा हुआ था। अकबर चाहता था कि वो मिड ईस्ट में जो खुतबा पढ़ा जाता था वो तुर्क के शासकों के नाम के पढ़ा जाता है, तो वो चाहता था कि मक्का और मदीना में भी मेरा डंका बजे, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले अफगानिस्तानियों का खात्मा कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ सुन पा रहे हैं, अफगानिस्तानियों का खात्मा कर दिया। उसके बाद अफगानिस्तान, आपने देखा होगा कि अकबर से पहले हुमायूं को हराने वाला, वो भी दो दो बार हराने वाला, और सत्ता से और उसको भागने भगौड़ा बनाने वाला भी अफगान शासक शेरशाह सूरी ही था। तो अफगानिस्तानियों को जड़ से ख़त्म करने का जिम्मा जो था वो अकबर ने ही उठाया था, और इंडिया में उसका कोई अपोज भी नहीं कर पा रहा था, ऐसी सिचुएशंस आ गई थी। तो यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाने के बाद उसका टारगेट था मिड ईस्ट और वेस्टर्न एशिया। तो ऐसा इसके बारे में RP त्रिपाठी ने अकबर के बारे में लिखा हुआ है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नो गवर्नमेंट नॉट इवन द ब्रिटिश हैज शोन सो मच विजडम एज दिस पठान। तो ये शेरशाह सूरी के बारे में HG कीने ने ऐसा बोला था। जी हाँ, ऐसा इसलिए बोला था क्योंकि काफ़ी कम टाइम शासन किया, ऑलमोस्ट 6 or 7 years के शासन में उसने लड़ाइयाँ भी लड़ी और बहुत सारे सुधार भी उसने लाए। तो एक तरह से कहा जाता बहुत ही विजडम वाला पठान था, बहुत ही विवेक वाला, विवेकशील पठान था वो शेरशाह सूरी। Who earned the title of recruiting sergeant of British for his support to the government during the First World War? जी हाँ, ये कुछ लोग गांधी जी को कहते हैं, बट इसका आंसर गांधी ही होगा, महात्मा गांधी होगा, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया था, और गांधी जी से भी लोगों ने पूछा कि आपने अंग्रेजों की मदद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्यों की।
उनको भी जवाब दिए नहीं बन रहा था कि क्या ही जवाब दें। हिस्टोरियंस एंड पॉलिटिकल पंडित्स हैव फॉर एवर स्ट्रगल टू एक्सप्लेन। और जो गांधीवादी इतिहासकार है जो कि मतलब वो बायस तरह का एक तरह का नैरेटिव रखते हैं गांधी की फेवर में, उनसे भी इसका एक्सप्लेनेशन करने नहीं बना था कि व्हाई ए पोस्टल ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस हैड रेंडर्ड सपोर्ट टू द ब्रिटिश एम्पायर इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और कभी कभी गांधी जी भी इसका आंसर शुरुआत में नहीं दे पा रहे थे। गांधी हिमसेल्फ स्ट्रगल टू एक्सप्लेन इट एंड गेव कंट्रडिक्टरी स्टेटमेंट टू जस्टिफाई हिज स्टैंड। और बार बार वो बदल बदल के स्टेटमेंट, तभी मतलब 1920 में पूछा गया तो कुछ और कहानी बता दी, 1930 में पूछा गया तो कुछ और कहानी बता दी, 1940 तो वो भी इस सवाल से सहज नहीं थे कि क्यों उन्होंने अंग्रेजों का मदद किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, इसीलिए उनको रिक्रूटिंग सर्जेंट ऑफ ब्रिटिश कहा जाता था, अभी भी कहा जाता है नो डाउट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक इंडिया डिवाइडेड। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है खासकर के बीपीएससी एस्पिरेंट के लिए, इसका करेक्ट आंसर राजेंद्र प्रसाद होगा। नेक्स्ट इज द टर्निंग पॉइंट इन द जवाहरलाल्स मेंटल डेवलपमेंट केम विद हिज एक्टिव पार्टिसिपेशन इन ब्रुसेल्स कांग्रेस अगेंस्ट कॉलोनियल ऑपरेशन एंड इंपीरियलिज्म इन फरवरी 1926। एक्चुअली ये लेफ्ट का एक बहुत बड़ा सेशन था ब्रुसेल्स में था जो अगेंस्ट द कॉलोनियल, इसमें रशिया की मतलब रशिया के भी जो लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट थी 1917 के बाद से जो सत्ता में आई थी उसने भी पार्टिसिपेट किया। तो ये जो पंक्तियां नेहरू के बारे में कही है ये सर्वपल्ली गोपाल ने कही थी, जी हाँ सर्वपल्ली गोपाल, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। द ऑफर ऑफ क्रिस्प रियली गिव अस नथिंग इफ वी एक्सेप्टेड। अब ये जो स्टेटमेंट है वो निम्नलिखित में से किसने कहा है? फ्रेंड्स देखिए महात्मा गांधी जी का तो स्टेटमेंट हमें क्रिस्प मिशन के बारे में ऑलरेडी मालूम है, तो इनको हटा देना पड़ेगा। फिर सुभाष चंद्र बोस को अगर हम माने तो वो 1939 के बाद से जब उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से रिजिग्नेशन दे दिया तब वो फॉरवर्ड ब्लॉक इस्टेब्लिश किया और उसके बाद से उन्होंने भारत छोड़ दिया और भारत छोड़ के अलग वो आज़ाद हिंद फौज के गठन में लग गए थे, तो इनको भी एलिमिनेट कर दीजिए। अभी हमारे पास तीन ऑप्शन है ए बी और ई। नेहरू का जो स्टेटमेंट था वो इस तरीके का नहीं था। नेहरू ने बोला था कि व्हेन आई रीड दोज प्रपोजल, मतलब क्रिस्प मिशन के बारे में उन्होंने कहा था कि व्हेन आई रीड दोज प्रपोजल्स फॉर द फर्स्ट टाइम आई वाज प्रोफाउंडली डिप्रेस्ड। ये नेहरू का कथन था। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन ए ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन बी और ऑप्शन ई। तो जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये कथन जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद का था जो आगे चल के भारतीय प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे 1946 में। Which incident, shocked British Prime Minister Clement Attlee, who had to declare that the edifice of British imperialism had suffered a severe jolt? जी हाँ, ये Clement Attlee जो 1955 में भारत आए थे और कोलकाता में एक पत्रकार ने उनसे पूछा था, तो वो उन्होंने बताया था कि ये जो रिवोल्ट ऑफ रॉयल इंडियन नेवी जो 1946 में हुआ था उससे वो काफी डर गए थे ब्रिटिश। और जो प्लान उन्होंने 1948 में तक का छोड़ने का रखा था वो आनंद फानंद में 1947 में ही भारत छोड़ के निकल गए क्योंकि उन्हें लगा कि सिचुएशन काफी कभी भी खराब हो सकता है। Who held free India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru as an outstanding leader of courage and vision? Friends, जवाहरलाल नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन एक दूसरे को काफी एडमायर करते थे, तो ये जो बातें हैं नेहरू के बारे में कि आउटस्टैंडिंग लीडर ऑफ करेज एंड विजन, वो लॉर्ड माउंटबेटन जो कि भारत का प्रथम वायसराय भी कह सकते हैं और फर्स्ट वायसराय इंडिपेंडेंट इंडिया का कह सकते हैं इसको, इंडिपेंडेंट इंडिया का। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, दिस वन इज वेरी इजी फॉर दोज हु आर अटेम्प्टिंग बीपीएससी प्रीलिम्स फॉर फ्यू ईयर्स। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वो गालिबपुत्र तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, वट वॉज द फोर्स बिहाइंड फिरोज शाह तुगलक पॉलिसी ग्रांटिंग जागीर। तो उसका जो मेन पर्पज था वो जो इलाइट है उनको थोड़ी बहुत जमीन मतलब क्या कहते हैं जगह दे देना, एडिंग टू द ट्रेडिशनल एलाइट्स जो समाज में थोड़े पीछे चले गए थे उनको फिर वापस एलाइट जो थे उनको वापस से जगह देना। नेक्स्ट इज व्हेन वाज द प्रोविंस ऑफ बिहार एडेड टू प्रोविंस ऑफ बंगाल। तो ये 1733 में हुआ था। Which British officer reported to the government of India that Muslims of Patna were in correspondence with 64th Native Infantry
near Peshawar and urged it to revolt against the British. Friends, ये जो क्वेश्चन है वो बेसिकली रिलेटेड है वहाबीज में जो आंदोलन हुआ था, वहाबी आंदोलन जो हुआ था उससे. वहाबी मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय सैयद अहमद ऑफ रायबरेली इन 1820 टू रिवाइव एंड रिस्टोर मुस्लिम रूल इन इंडिया बाय ब्रिंगिंग अबाउट द ओवरथ्रो ऑफ द सिख्स इन द पंजाब एंड द ब्रिटिश इन बंगाल. इन द बिगनिंग इज सोशियो रिलीजियस मूवमेंट एम्ड एट इम्प्रूविंग द लाइफ ऑफ मुस्लिम्स. हाउएवर लेटर इट एक्वायर्ड पोलिटिकल कॉन्टेक्स्ट एम्फसाइजिंग दैट एवरी वहाब शुड ट्राई टू एस्टैब्लिश मुस्लिम रूल. जी हाँ, जितने सारे इस्लामिक है वो स्टार्ट करते हैं सोशल रिलीजियस मूवमेंट से और बाद में वो फिर अपना वहाबिज्म और वो मतलब वो जो जिहाद का कंसेप्ट है उस पर चले जाते हैं, बीट सर सैयद अहमद खान या फिर ये वहाबी वाले सर सैयद अहमद. तो इनका और इनके बारे में रॉबर्ट मोंटेग्रोमो की जानकारी मिल गई थी जो उस टाइम जुडिशियल कमिश्नर था पंजाब का. उन्होंने ही कहा था कि पटना और थानेश्वर के मुस्लिम थे और लगातार 64th नेटिव इन्फेंट्री जो पेशावर में थी उससे करिस्पोंडेंस में पत्र मतलब पत्र के माध्यम से और रिवोल्ट की बात कर रहे थे. तो यहाँ भी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच राजा रेंडर ए वेरी वैल्यूएबल असिस्टेंस टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर होल्डिंग इट्स फोर्थ सेशन एट अलाहाबाद इन 1888. फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, देखिए जगदीशपुर का तो ऐसे भी नहीं होगा और भिंगा नेवर हर्ड ऑफ इट, तो आइदर इट विल बी बनारस और दरभंगा. बट उस टाइम अंग्रेजों का दबदबा इस कदर बढ़ गया था कि कोई भी सामने आने को तैयार नहीं था. सो इट वाज राजा ऑफ दरभंगा महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह आगे आए और उन्होंने मदद की चौथे इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को कराने में जो कि इलाहाबाद में हुआ था. Who led the Quit India movement in Patna city on 11th August 1942? तो इसमें सभी क्या कहते हैं सभी की हिस्सेदारी थी, तो more than one इसमें answer हो जाएगा. In pre-Gupta times, a large number of lead coins were issued by, तो इसका जो correct answer हो जाएगा friends, वो सातवाहना हो जाएगा. देखिए मौर्यास के time पे पंचमार्क coins आते थे, तो ये होगा नहीं. इसने gold coins जारी किए थे और ये जो है सतवाहना उस सिक्के के बहुत सारे सॉरी शीशे के बहुत सारे सिक्के इसने जारी किए थे. द डिक्लाइन ऑफ द मौर्य एम्पायर वाज लार्जली ड्यू टू द इकोनॉमिक कंसीक्वेंसेस ऑफ द अशोका पॉलिसी. हु बिलीव्ड इन दिस फैक्ट. फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए था वो डीडी को सामने होना चाहिए था. जो इकोनॉमिक डिक्लाइन का जो थ्योरी दिया था वो डीडी को सामने ने दिया था. रोमिला थापर जी ने, क्योंकि रोमिला थापर और डी एन झा दोनों ही लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन हैं, उन्होंने रोमिला थापर जी ने एक्सट्रीम कॉन्सेंट्रेशन को कारण बताया था, तो ये होगा नहीं. और वी ए स्मिथ, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव, इसमें से कोई नहीं, बिकॉज ऑफ डी डी कोसाम्बी ने इकोनॉमिक डिक्लाइन का थ्योरी दिया था मौर्यन एम्पायर के. Who are the author of the famous Allahabad Prashasti? Again, very famous and very easy question. Hari Sen is the correct answer. Moving on to question number 18, that is, Borobudur is the most wonderful stupa in the world and its images and sculpture are the finest examples of that is option D, Indo-Javanese art. Next is, his theory of kingship was based on the principle of prestige, power and justice. Who said these words about Balban? तो ये बलबन के बारे में ये पंक्तियाँ जियाउद्दीन बरनी ने कहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. Thus, to Alauddin belong the credit of being the first Turki Sultan of India, Delhi, to bring church under the control of the state and to usher in factors that might make the state secular in theory. Who wrote this word? ऐसा एल श्रीवास्तव जी का मानना है कि अलाउद्दीन जो था वो स्टेट और रिलीजन में क्या कहते हैं डिपेंडेंट नहीं रखना चाहता था, दोनों को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए या फिर रिलीजन को किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं रखने के लिए वो अपने अंडर में ले लिया था. तो ऐसा एयर श्रीवास्तव जी का मानना है कि वो ऐसा करने वाला पहला तुर्की सुल्तान था कौन, अलाउद्दीन खिलजी.
In 2020, which of the following crops had the highest acreage in India? यहाँ इसका करेक्ट आंसर राइस पैडी है, सबसे ज्यादा जगह पे एसी की खेती की गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ कॉपर? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कई बार अदल बदल के पूछा जा रहा है। यहाँ जो पूछ रहा है लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ कोर कॉपर कोर पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। और इसी को अगर अलग तरीके से पूछे लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ कॉपर और कौन से स्टेट में होता है, देन द आंसर वुड बी मध्य प्रदेश। Here correct answer is option A, that is Rajasthan. Which part of eastern Uttar Pradesh and Bihar are inclined included in which of the following plain? So Bihar aur Uttar Pradesh ke hisse jo hain Middle Ganga plain mein shamil kiye gaye hain. Moving on to question number which of the following is the center of textile? Ji haan, Bhilwara jo ki Rajasthan mein hai isko center of textile bola jata hai. Yahan pe lagbhag it encompasses Around 50% of total polyester fabrics and suits manufactured in India. Which of the following union territory has the lowest area under forest? तो ये जो है सबसे कम जो area under forest है वो है दादर नगर हवेली को। तो यहाँ पे C is the correct answer हो जाएगा। Moving on to next question. Again जो BPSC प्री देते हैं, BPSC का exam देते हैं, उनके लिए one of the easiest question. सोमेश्वर रेंज जो है वो शिवालिक रेंज का एक हिस्सा है, जो कि ईस्ट और वेस्ट बिहार में है। लैंड ऑफ बिहार इज ड्रेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सिस्टम? तो इसमें यमुना, गोदावरी और महानदी नहीं आती है, सिर्फ और सिर्फ गंगा इज द करेक्ट आंसर। गंगा और ट्राइब्यूटरीज ही बिहार में फ्लो करती है। इन बिहार द टर्म बाल, सुंदरी, ताल, करेल, बालथर आर यूज फॉर, ये तो इस सॉइल है, वेरियस सॉइल्स हैं जो बिहार के विभिन्न हिस्सों में पाई जाती है। Which of the following district has no land under forest? ये 2019 के forest cover के हिसाब से जहानाबाद में कोई भी forest cover नहीं, एकदम 0% forest cover है। Yes friend, यहाँ पे correct answer हो जाएगा 29 का E। Moving on to next question, that is पहलगांव, कांटी, बाढ़ है, नवीनगर, ये तो thermal power plant stations हैं। तो यहाँ पे again answer हो जाएगा वो C हो जाएगा। Which of the following district recorded the highest growth rate of population in decade? तो highest growth rate का जो population है, इनमें से अगर पूछा है, देखिए following पूछा है, तो यहाँ पे correct answer हो जाएगा किशनगढ़। लेकिन वैसे अगर सबसे ज्यादा growth वाला कौन सा district है, तो वो है मधेपुरा, और सबसे कम growth वाला district है वो है गोपालगंज, और फिर उसके बाद दरभंगा। तो अगर पूछे कि highest growth बिहार में किसका हुआ है population का डिकेड 2001 से लेके 11 में, तो सब आंसर हो जाएगा मधेपुरा। लेकिन इनमें से पूछा है तो यहाँ किशनगंज इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। और सबसे कम तो गोपालगंज। नेक्स्ट टाइम अगर बिहार में पूछे कि सबसे कम ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, तो दैट वुड बी ऑफ गोपालगंज। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंटर ऑफ टेक्सटाइल? तो अभी हमने इंडिया का टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पूछा था, पढ़ा था, और अभी बिहार का पढ़ रहे हैं अगेन। तो यहाँ पे वहाँ पे भीलवाड़ा था और यहाँ पे भागलपुर, यहाँ सिल्क के लिए फेमस है नाथनगर खास करके। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिवर्स? तो फ्रेंड्स इसमें जो है मरे एंड डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की दो बड़ी नदियां हैं, और यहाँ आंसर ये हो जाएगा। बाकी में कुछ नदी हैं और कुछ में वाटरफॉल्स का नाम दे दिया गया है, और कुछ में कैनल्स का नाम दे दिया गया है। हैदराबाद सिटी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? जी हाँ, बहुत लोगों ने, किसी ने इंडिया मारा, किसी ने पाकिस्तान मारा, लेकिन यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोथ, मतलब मोर देन वन ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल डिपॉजिट? फ्रेंड्स सबसे ज्यादा जो कोल के डिपॉजिट रिजर्व पूछ रहा है, यहाँ पे रिजर्व पूछ रहा है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यस, नाउ मूविंग ऑन, leading following countries are the leading producer of wheat in 2020. तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे चाइना लीडिंग प्रोड्यूसर था 2020 में गेहूं का। Which of the following countries are the leading producer of electronics? Again, more than 50% of the world's electronics are produced in which country? यहाँ सही समझे हैं, बिल्कुल चाइना। Which of the following mountain ranges divides Ganga Plain and Deccan Plateau? यहाँ करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अरावली रेंज।
C is the correct answer. Moving on to 39, question number 39, which of the following rivers is not flowing eastward? जी हाँ, यहाँ पे दो नदियां हैं जो ईस्ट की तरफ फ्लो नहीं करती. फर्स्ट वन इज गंगावली, सेकंड वन इज नर्मदा. गंगावली कर्नाटक में, कर्नाटक की एक रिवर है जो वेस्टर्न घाट में ओरिजिनेट होती है, अरब सी की तरफ मूव करती है. अगेन सेम नर्मदा का अमरकंटक जो जगह है वहाँ पे ओरिजिनेट होती है, बट ये भी अरब सागर में जाती है. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का ई हो जाएगा. Moving on to question number 40, again one of the easiest question. Blake's soil is also known as Regur soil or Regur. Who was the first non-Congress Chief Minister of Bihar? So here correct answer is Mahamaya Prasad Sinha. Which political party has 4 seats in Bihar Vidhan Parishad and 1 seat in Bihar? Sorry, Vidhan Sabha में 4 सीटें हैं और Vidhan Parishad में 1 सीटें हैं. जी फ्रेंड्स, इसका बहुत सारे लोगों ने गलत आंसर मार किया है. अब इससे आसान सवाल का आप गलत मारोगे तो फिर पेपर डिफिकल्ट लगेगा ही लगेगा. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वीआईपी. और मैं बता रहा हूँ वीआईपी से 4 विकासशील इंसान पार्टी से 4 लोगों ने चुनाव जीता था विधानसभा का. पहली थी स्वर्णा सिंह जो गौरावरम सीट है, दूसरा मिश्रीलाल यादव अलीनगर सीट से, तीसरा मुसाफिर पासवान बोचहा सीट से और चौथा राजकुमार सिंह साहिबगंज सीट से. अभी 4 विधायक बने थे, इसमें मुसाफिर पासवान जी की मृत्यु हो गई थी और अभी वहाँ पे रिसेंटली मार्च में आई थिंक री इलेक्शन बाई इलेक्शन हुआ था जहाँ पे आरजेडी ने जीत दर्ज की थी. तो और बाकी के जो 3 विधायक थे, स्वर्ण सिंह, मिश्रीलाल यादव और राजू कुमार सिंह, ये तीनों मार्च के महीने में ही इन्होंने वीआईपी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ली. और साथ ही साथ जो एक विधान परिषद का सीट था तो बीजेपी ने अपने कोटे से जो वीआईपी के चेयरमैन है, सुप्रीमो है मुकेश सहनी, उनको विधान परिषद का सदस्य बनाया था और मंत्री भी बनवाया था, लेकिन उन्हें मंत्री पद से भी हाथ धोना पड़ गया था इसी मार्च के महीने में. तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 43, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्टेड द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370. जी हाँ फ्रेंड्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का वो हो जाएगा बीएसपी ने आर्टिकल 370 के रिमूवल में मदद की थी, बाकी किसी ने भी नहीं, जेडीयू ने भी सपोर्ट नहीं किया था. तो हियर करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी, बीएसपी. मूविंग ऑन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्टेड द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल. तो यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पे जेडीयू ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में मदद किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच पॉलिटिकल पार्टी सपोर्टेड द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल 2019 इन द राज्यसभा. तो राज्यसभा में देखिए जेडीयू और बीएसपी वॉकआउट कर गई थी राज्यसभा में से, और आरजेडी और आईएनसी तो अपोजिशन कर रही थी. तो जेडीयू और बीएसपी के बाहर चले जाने से राज्यसभा के जो हाफ मेजोरिटी मार्क था वो लो हो गया और जिससे काफ़ी मदद मिली. तो यहाँ पे हालांकि उन्होंने डायरेक्टली हेल्प नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया, बट इनडायरेक्टली किया, लेकिन यहाँ पे अगेन आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा. हु इज द चीफ जस्टिस, ये भी 2019 में ही बने थे, जस्टिस संजय करोल नाम है इनका. पंचायती राज मिनिस्टर काफ़ी फेमस नाम है और ये भी MLC हैं बीजेपी कोटे से, सम्राट चौधरी. इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से लास्ट ईयर पंचायती इलेक्शन कंडक्ट कराया था बिहार में, एक आइडियल एग्जाम्पल दिया था पूरी इंडिया में, दिस इज द वे टू कंडक्ट एन इलेक्शन, खास करके पंचायत इलेक्शन जिसमें मार धाड़ काफ़ी होते रहते थे, बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाएं होती रहती थी, उसको काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से और एक भी वोट इधर उधर नहीं पड़ा. काउ स्लॉटर वॉज बैंड बाई ए लॉ इन बिहार इन विच ईयर. तो ये 1955, डी इज द करेक्ट आंसर हियर. हु इज द लीडर ऑफ ओपोजिशन इन बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल. अब देखिए ये भाई साहब तेज प्रताप यादव जी और तेजस्वी यादव, ये दोनों MLA बने हुए हैं, इतना तो बेसिक इन्फॉर्मेशन सबके पास रहता है. ये मीसा भारती सांसद हैं और ये मैडम जी राबड़ी देवी जी, ये MLC हैं. तो MLC का पूछ रहा है, बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल का पूछ रहा है, तो कौन अपोजिशन लीडर है. तो यह सी इज द करेक्ट आंसर, राबड़ी देवी हैं. तो 49 का जो आंसर हो जाएगा वो सी राबड़ी देवी हो जाएगा. हु अमंग द फॉलोइंग हैज सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार ट्वाइस. तो यहाँ पे जी करेक्ट आंसर हो जाएगा अखलाकुर रहमान किदवई, ये बिहार के 10वें गवर्नर थे और इन्होंने 2 मर्तबा बिहार का गवर्नर रहने का गौरव पाया था, 2 बार, वो भी दोनों मतलब टोटल 10 साल रहे बिहार के गवर्नर. पहली बार ये रहे थे 1979 to 85 तक
और दूसरी बार रहे थे 1993 टू 1998 तक। रैयत वारिस सिस्टम वाज इनिशियली तो रीड इन मुनरो तमिलनाडु, करेक्ट आंसर मद्रास बेसिकली। नाफेड क्या है? नाफेड एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन टाइप का है। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इज मेजर बाई गिनी लॉरेंज रेशियो से इसको मेजर किया जाता है। ड्यू टू ऑयल क्राइसिस मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्री फेस द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की मार अभी बहुत ज़्यादा है, दुनिया के सारे जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो 25 से 30 सालों में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन से जूझ रहे हैं अभी। हु रोट द बुक इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस? अब इसका कुछ परफेक्ट आंसर मिल नहीं रहा है, तो जो मिल रहा है वो है बिमल जलान, तो इसके हिसाब से आंसर ई हो जाएगा। बिहार हैज ए रूरल लिटरेसी रेट। अब ये सबसे आसान क्वेश्चन, लेकिन मुझे गारंटी है कि 90% लोगों ने इसका इनकरेक्ट आंसर मार के आए हुए हैं। ठीक है, बिहार का जो लिटरेसी रेट है टोटल 61 के आसपास है। ठीक है, तो और बिहार का लगभग मोर देन 85% पॉपुलेशन, अभी लास्ट सेंसस के हिसाब से तो 89% पॉपुलेशन जो है वो रूरल इलाके में रहती है। इस हिसाब से जो है वो कांटा रहना चाहिए 60 के आसपास ही, नॉट इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ भी बिल्कुल सही बात है और यहाँ पे ई इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 का। वैसे करेक्ट जो ओवरऑल रूरल लिटरेसी रेट है बिहार में वो है 59.78%। झारखंड वाज इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिहार इन दिस वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन, अगेन ए इज द करेक्ट आंसर। तीन कठिया सिस्टम, तो ये एग्रीकल्चर मेथड से रिलेटेड था। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर लोक नायक जयप्रकाश नारायण यादव, इन सब क्वेश्चन पे क्या डिस्कस करना। सात निश्चय योजना कब स्टार्ट की गई थी? जी हाँ, 2015 अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन हुआ था, तो नीतीश कुमार ने मोदी जी का जो 125 लाख करोड़ का जो पैकेज था उसके अगेंस्ट में 270 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया था। तो घोषित किया था, लेकिन कब स्टार्ट किया गया था यहाँ पे क्वेश्चन है, स्टार्ट बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो ये 2016 में स्टार्ट किया गया था फरवरी में। फिस्कल डिफिसिट ऑफ बिहार, तो ये 2.97%, ये एकदम रट्टा करना है, इसमें दूसरा कोई उपाय नहीं लगेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेड इंटरिम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ILF, तो ये 1998 में कमेटी गठन की गई थी और 1999 में इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया था, नरसिम्हन कमेटी। टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो ये चाइना पे मॉडल है, 63 का ए ऑप्शन। इंडिया ज्वाइंट WTO, इंडिया WTO का फाउंडिंग मेंबर है, तो 1995 को WTO एस्टेब्लिश हुआ था और ये 1948 इंडिया इसका भी GATT GATT इसका भी इंडिया फाउंडिंग मेंबर रह चुका था और उसी को GATT को नया नाम दे दिया गया था 1 जनवरी 1995 को। अगेन हियर आंसर विल बी डी ओनली। मॉडिफाइड वैट इज वैट इज रिलेटेड टू एक्साइज टैक्स। जी हाँ, मॉडिफाइड जो वैट होता है वो एक्साइज मैन्युफैक्चरर को दो बार, एक बार जो कच्चा माल खरीदते हैं और दूसरा इंटरमीडिएट को बेचते हैं, तो दोनों बार अलग अलग टैक्स देना पड़ता है, तो इसके लिए उनको कुछ एक्साइज टैक्स में रिलीफ दी जाती है, तो उसी को मॉडिफाइड वैट कहा जाता है, मोड वैट कहा जाता है। पूना पैक्ट वाज साइन ऑन 24 सितंबर 1932, और ये पूना पैक्ट बेसिकली दलितों को सेपरेट इलेक्ट्रोड देने से रिलेटेड था, जो गांधी जी चाहते थे कि नहीं मिले, इसीलिए उन्होंने अनशन किया था और लास्ट में गांधी जी और अंबेडकर के बीच साइन हुआ था। जस्टिस पार्टी वो बेसिकली रॉयलिस्ट एटीट्यूड टुवर्ड्स द ब्रिटिश इज द करेक्ट आंसर होगा। हु इन द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज वेदारण्यम सत्याग्रह इन अप्रैल 1932, करेक्ट आंसर इज वी ओ चिदम्बरम पिल्लई। Which can be rightly said to be a very significant aspect of Champaran Satyagraha. तो चंपारण सत्याग्रह का जो मेन क्या कहते हैं एस्पेक्ट है, इम्पोर्टेंस है, वो है कि इसके बाद से पीजन अनरेस्ट को भी इंडियन नेशनल मूवमेंट में जोड़ लिया गया था, तो करेक्ट आंसर विल बी सी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 70, जी हाँ, एडवोकेट्स हु अपीयर फॉर द INA ट्रायल्स एट दिल्ली 1945-46 वार, तो यहाँ पे भूलाभाई देसाई हुई, बहुत सारे एडवोकेट्स जिनमें भूलाभाई देसाई, आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटू और लेफ्टिनेंट कॉलोनल होरीलाल वर्मा, इनके नाम थे जो INA ट्रायल्स में अपियर हुए थे डिफेंडर। आर इन द फॉलोइंग इवेंट्स कनेक्टेड विद द फ्रीडम स्ट्रगल? जी हाँ, ये क्वेश्चन मतलब देखिए
इस तरह के क्वेश्चंस यू माइट नॉट हैव हर्ड अबाउट व्हाट इज मुस्लिम डिलीवरेंस डे बट यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट डायरेक्ट एक्शन डे. ये हुआ था 16 अगस्त 1946 को. तो यहाँ पे इसके बाद और रिजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्री जो थी वो अक्टूबर नवंबर 1939 में हुई थी. तो दो चीज़ें तो हमें याद है, इंडिविजुअल सत्याग्रह ये भी याद है 1940 में हुआ. तो तीन चीज़ें तो डेफिनेटली याद है. और अगर हम इन तीनों को सजाना हो तो हम कहेंगे कि सबसे लास्ट में टू आएगा. तो सबसे लास्ट में मतलब इन तीनों में सबसे लास्ट में टू आएगा और नहीं तो ये दोनों हैं. लेकिन मुस्लिम डिलीवरेंस डे जो है, मुस्लिम डिलीवरेंस डे जो है वो 22 दिसंबर 1939 को सेलिब्रेट किया गया था. तो सबसे पहले जो वो काम हुआ था वो है रिजिग्नेशन ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्री, उसके बाद मुस्लिम डिलीवरेंस डे, उसके बाद इंडिविजुअल सत्याग्रह और सबसे लास्ट में डायरेक्ट एक्शन डे. तो इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3, 1 और 2. अगेन दिस इज ट्रिकी क्वेश्चन, वेरी वेरी ट्रिकी क्वेश्चन. इसमें देखना है सबसे पहले जो था इंडिगो रिवोल्ट, ये 1859-1860 के अराउंड हुआ था. डेक्कन रायट्स हुआ था 1875 में हुआ था, डेक्कन इलाके में हुआ था. और मूवमेंट अगेंस्ट लैंड एलिनेशन इन पंजाब, एक्चुअली लैंड एलिनेशन एक्ट, पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट जो था वो 1900 में पास हुआ था. तो उसी के आसपास ही हुआ था, 1900 के आसपास ही हुआ होगा. तो अगर इसके हिसाब से अपन बताना चाहें तो 213 किसमें दिख रहा है आपको, 213 सी इज द करेक्ट आंसर. यस, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 73, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स फ्रॉम द बिहार अपीयर बिफोर द हेमंत कमीशन एट रांची टू डिमांड वोटिंग राइट्स फॉर दलित. अब बिल्कुल ये परफेक्ट इसका क्या कहते हैं आंसर, जयप्रकाश नारायण. ये बेसिकली लाला जी थे तो इनको, और उस टाइम ये 1935-36 की बात है तो ये नहीं गए थे. लोहिया जी भी 1942 के बाद से मैप पे आए थे और खास करके आज़ादी के बाद इन्होंने काफ़ी जो अपना सोशलिस्ट लीडर हैं तो उसमें. राजकुमार शुक्ला 1917 में ये चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड है. इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू जगजीवनराव, वो दलित यूथ आइकन भी थे और मतलब बिहार से प्रथम उप प्रधानमंत्री बनने तक का सफर इन्होंने तय किया है. अगर कांग्रेस ने इनको सही जगह दी होती तो ये प्रधानमंत्री भी बन गए होते. लेकिन यू नो कांग्रेस से प्रधानमंत्री बनने के लिए आपको सरने में गांधी लगा होना चाहिए या फिर बहुत बड़ा गुलाम होना चाहिए. हु एम द फॉलोइंग वेज रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश इन बिहार इमीडिएटली आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर. दिस इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और हमारे हिस्ट्री बुक में इनका नाम होना चाहिए. तो यहाँ किसी की वीर गाथा की बात हो रही है जिन्होंने तुरंत बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर के तुरंत बाद ब्रिटिश के खिलाफ बगावत छेड़ दिया था. नाम है महाराजा फतेह बहादुर साहिब. ये इन्होंने 25 सालों तक गुरिल्ला वार और बहुत सारे तरीकों से अंग्रेजों के सामने घुटने क्या कहते हैं अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी. इनके बारे में कहा जाता है कि उस वक्त एक अंग्रेज ने लिखा था कि जितनी परेशानी पेशवा से नहीं उससे अधिक परेशान तो अकेले फतेह बहादुर शाही ने कर रखा है. हालांकि दुर्भाग्य से इनके भाई बसंत शाही जो कि हथुआ के महाराजा थे और ये कुछ दूर हथुआ से लगभग 20 किलोमीटर दूर होगा हुसेपुर, वहां उन्होंने अपना किला बनाया था और आगे चल के उत्तर प्रदेश में इन्होंने अपना किला बनाया. तो दो जगह और अपने बेटे का ताजपोशी भी किया. तो काफी 1719 तक ये संघर्ष करते रह गए थे. तो करेक्ट आंसर, अब दुखद बात इस दुख इस बात का है कि ऐसे महान विभूतियों का नाम इतिहास के पन्नों से गायब हो जाता है. तो हियर करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए महाराजा फतेह बहादुर शाही. हालांकि चैत सिंह 1781 में इन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल उठाया था लेकिन चूंकि इमिडिएटली आफ्टर पूछ रहा है इमिडिएटली आफ्टर तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा. बिकॉज फतेह बहादुर शाही ने सबसे पहले 1766 में ही अंग्रेजों के खिलाफ 1766 मतलब 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, 1765 में ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी और देन इन नेक्स्ट ईयर 1766 में महाराजा फतेह बहादुर शाही ने रिबेलियन कर दिया था ब्रिटिश के खिलाफ, अंग्रेजी सियासत के खिलाफ. और इन्होंने अपने भाई का भी हत्या करने से, क्योंकि वो बसंत शाही जो था वो अंग्रेजों से मिल गया था और अंग्रेजों की मदद से वो
इनका जो राज था वो भी दूर था इनसे, तब भी उस पर भी कब्जा करना चाहता था। उन्होंने बिना किसी दया भाव के उसका भी कत्ल कर दिया था और एक अंग्रेज को भी मार दिया था। वो रातों रात अंग्रेज गोपालगंज से पटना भागे थे अपनी जान बचा के। ऐसे थे हमारे महाराजा फतेह बहादुर शाह जी। हु एवंग द फॉलोइंग सेवन मार्टियर्स ऑफ पटना ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट वाज ए स्टूडेंट ऑफ बीएन कॉलेज। यहाँ उमाकांत प्रसाद और रामानंद सिंह, ये दोनों राममोहन राय सेमिनरी के स्टूडेंट थे और जगतपति कुमार जो थे वो बीएन कॉलेज के स्टूडेंट थे। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 76, हु स्टार्टेड, अगेन बहुत इजी क्वेश्चन, बिरसा मुंडा जिसे गुलगुलन का मतलब रिवेलियन होता है, उन्होंने स्टार्ट किया था। हुइंग द फॉलोइंग वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर इक्का मूवमेंट, इसमें जगह का तो बेसिकली ये उत्तर प्रदेश में हुआ था, अवध इलाके में, हरदोई बहराइच और फैजाबाद में। हु एवर द फॉलोइंग वायसराय वाज स्टैब्ड डेथ इन अंडमान आइलैंड, एक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की एक बहादुर आदमी शेर साहिद अली अफरीदी थे जो कि अंडमान जेल में सजा काट रहे थे, और उन्होंने ही जब पोर्ट ब्लेयर की विजिट पे गया हुआ था 1872 में, लॉर्ड मयो तत्कालीन वायसराय उसकी चाकुओं से गोद के हत्या कर दी थी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 79, द फ्रंटियर गांधी इज नोन टू हैव सेड दैट दे हैव थ्रोन टू द वॉल्स हिम एंड हिज मूवमेंट, whom is he referring to? तो उन्होंने कांग्रेस लीडरशिप के लिए ऐसा बात बोला था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बंटवारा हो, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लोगों ने अपने लालच की वजह से देश का बंटवारा होने दिया, और इसी पे सीमांत गांधी जिनको बोला जाता था उन्होंने ऐसी बात कही थी कि उन्होंने हमें भेड़ियों के हाथों में फेंक दिया है। Whom did the chief खालसा दीवान डिक्लेयर एज फॉलन सिख्स एंड क्रिमिनल? अब देखिए, ये चीफ खालसा जो दीवान थे वो ब्रिटिश के सिंपथाइजर हो चुके थे, वो चाहते थे कि हम ब्रिटिश के साथ रह के ही हमारा भला हो सकता है, और इसीलिए उन्होंने गदर के रिफ्यूजी जो पंजाब में आके अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकना चाहते थे उनको फॉलन सिख, मतलब ये सिख नहीं रहे, और क्रिमिनल्स घोषित कर दिया था। इस तरह के लोग खालसा चला रहे थे उस वक्त भी। तो यहाँ पे यह बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मैथ के क्वेश्चन यहाँ पे चूंकि मेरे पास टैब नहीं है तो मैं सॉल्व करके नहीं दिखा सकता, बट मैंने सॉल्व किया हुआ है, खुद से सॉल्व करा हुआ है, तो मैं सिर्फ आंसर की ही बता पाऊंगा यहाँ पे। यह करेक्ट आंसर होगी, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सी ऑप्शन 32 हो जाएगा। ऐसे भी 16 × 8 + 64 × 4 डिवाइडेड बाई 14 तो टोटल हो जाएगा 384 डिवाइडेड बाई 12 और आंसर आएगा 32। मूविंग ऑन टू ये अगेन यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है, 12 इज करेक्ट आंसर, इसको वेन डायग्राम से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट इज, और ये देखिए, फर्स्ट टर्म जो है 5 है, कॉमन डिफरेंस 6 है, और 100 फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, तो 600 और प्लस 5 605 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, इसको सॉल्व करने पे हम पाते हैं किसका आंसर हो जाएगा, -6 एंड √6 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट इज करेक्ट आंसर विल बी 2 and 2। अब इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, 2 and 2 तो 3x मतलब 6 -2 2 तो 6 में से 2 गया 4, यहाँ पे वेरीफाई भी कर ले रहे हैं, अब ऐसे भी बना सकते थे। द वैल्यू ऑफ, अब इस तरह का कहीं भी क्वेश्चन पूछे, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आंख बंद करके 2 आंसर लिखना है, क्या करना है, आंख बंद करके 2 आंसर लिखना है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 87, यहाँ पे 16500 को 11 × 11 डिवाइडेड बाई 100, तो 165 को 121 से मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आएगा 19965 इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 88, दिस इज द करेक्ट सीरीज, और इस सीरीज में आएगा जो क्वेश्चन मार्क है उसके जगह पे 108। एट 4:30 AM व्हाट इज द एंगल फॉर्म बिटवीन, ये 45 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, अगर 45
4:30 AM के जगह पे PM भी कर दे तो भी कोई चेंज नहीं होगा और इसका वैल्यू सेम ही रहेगा। अगेन तो यहाँ पे भी, यहाँ से भी हम कर सकते हैं 9817 करेक्ट आंसर 17, इसको सॉल्व करके भी कर सकते हैं। इन बिग शोरूम डिपार्टमेंटल स्टोर्स द विजिलेंस कैमरा, तो विजिलेंस कैमरा जो यूज किया जाता है वो होता है कन्वेक्स मिरर। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए कंडक्टर बाय ब्रिंगिंग इट नियर अनदर चार्ज कंडक्टर विदाउट मेकिंग एनी कॉन्टैक्ट इज, ये इंडक्शन कहलाता है, कॉन्टैक्ट नहीं होता है बट फिर भी। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग डिफरेंट डिसॉल्व्ड कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए मिक्सचर बाय देयर एडसॉर्प्शन ऑन एन एप्रोप्रिएट मटेरियल इज कॉल्ड, इसको कहते हैं क्रोमैटोग्राफी। अभी इससे बहुत सारा क्वेश्चन कभी सेडिमेंटेशन से पूछ देता है, कभी क्रोमैटोग्राफी से पूछ देता है, तो अदल बदल के क्वेश्चन पूछते रहते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अल्फाबेट एक्स इन एक्सरे स्टेन पर। तो ये जैसे मैथ में किसी भी क्वेश्चन को जो नहीं आप पता होता है उसमें एक्स मान लेते हैं, वहां भी एक्सरे को अननोन के लिए ही, एक्सरे में एक्स जो है वो अननोन के लिए स्टैंड करता है। वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और H2। व्हाट इज एन एक्सीलेंट कूलिंग एजेंट बिकॉज ऑफ इट्स हाई स्पेसिफिक हीट, तो यहाँ भी करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नाउ कोलाइड्स विद पार्टिकल साइज रेंज बिटवीन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10^-7 मीटर टू 10^-, बेसिकली 1 नैनोमीटर के अराउंड होता है। प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ एमोफस कार्बन इज, दैट इज सुगर चारकोल, प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ एमोफस कार्बन होता है, एमोफस कार्बन होता है। मॉडर्न एटॉमिक सिंबल्स आर बेस्ड ऑन द मेथड प्रपोज्ड बाय बर्जिलियस ने, आधुनिक एटॉमिक सिंबल्स का जो मॉडल था उसको प्रिपेयर किया था। विच द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए केमिकल चेंज, तो ये इरिवर्सिबल होते हैं, निरस्वसानी फॉर्म होता है, और ये सारे केमिकल चेंज की पहचान है, और जो इसमें केमिकल चेंज का नहीं पहचान है, नो नेट चेंज इन एनर्जी इज इन्वॉल्व, ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सब्सटेंसेस दैट रेडी एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम अदर सब्सटेंसेस विदाउट केमिकली रिएक्टिंग विद देम आर कॉल्ड, इन्हें डेसिकेंट्स बोला जाता है, ऑप्शन ए। इनहेलेशन ऑफ एयर पॉल्यूटेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड इज डेंजरस बिकॉज, अब ये क्या होता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो CO है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है, और जो एक विषैली गैस होती है, फिर हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के काम में आता है और हमारे नर्व्स में मूवमेंट करता है, तो वो ऑक्सीजन के बदले CO ट्रांसफर करने लग जाता है, ट्रांसपोर्ट करने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्लोन्स ऑफ एनिमल्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 104, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड बोथ इन द सेल्स ऑफ ए मैंगो प्लांट एंड ए मंकी, बेसिकली यहाँ क्वेश्चन ये है कि वो कौन सी चीज है जो एनिमल और प्लांट दोनों में पाए जाते हैं, तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन इज द करेक्ट आंसर है। बाकी जो ये तीनों है, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रियोल और सेल वॉल, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाया जाता है ना, कि एनिमल्स में पाया जाता है। विच ऑफ फॉलोइंग कनेक्ट्स अ मसल टू ए बोन, तो मसल टू बोन कौन कनेक्ट करता है, टेंडन, और बोन टू बोन कौन कनेक्ट करता है, लिगामेंट। अभी अगर पूछे बोन टू बोन किससे कनेक्ट होता है तो लिगामेंट, लेकिन यहाँ पे मसल टू बोन किसके थ्रू कनेक्ट होता है तो वो टेंडन इज द करेक्ट आंसर। द पार्ट ऑफ फ्लोर दैट गिव्स राइज टू अ फ्रूट इज, तो फ्रूट जो बनता है वो ओवरी से बनता है। विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायनोमियल साइंटिफिक नेम, बायनोमियल्स ये बहुत ही आसान है, हालांकि इसका भी नाम बदल के कुछ और रख दिया गया है, पर यहाँ पे राणा टिग्रिना ही आंसर होगा 107 का सी। मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज की, तो यहाँ पे हाउस फ्लाई जो होती है वो मोस्ट कॉमन कैरियर होती है कम्युनिकेबल डिजीज की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, तो इनमें से दिया गया जो सबसे बढ़िया विटामिन ए का सोर्स है वो होता है कैरेट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 110, द टाइप ऑफ जॉइंट फाउंड एट शोल्डर इज ऑल्सो फाउंड, जो शोल्डर पे जो ज्वाइंट पाया जाता है वही उसी तरह का ज्वाइंट जो है हिप पे भी पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स मोस्ट एक्टिवली फंक्शन टू रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर, स्किन जो होता है हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के काम में आता है, तो हियर आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज स्किन। ईस्ट इज यूज इन प्रोडक्शन ऑफ, तो ईस्ट का जो प्रयोग होता है वो अल्कोहल बनाने में किया जाता है, यहाँ इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 113, अभी ये देखिए ऐसा कोई बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन
दिख रहा है बट है नहीं ऐसे, क्योंकि देखिए जब 10^-6 जिसको माइक्रो बोला जाता है, उसके बाद 10^-9 नैनो, और इसी तरह 9, 12, 15, 18, 21। तो यहाँ पे 21 इज द करेक्ट आंसर, 10^-21 इज द करेक्ट आंसर। टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम क्लॉक 2 सेकंड होता है, 1 सेकंड जाने में, 1 सेकंड आने में। सडन राइज इन ए बैरोमेट्रिक हाइट डिक्रीज, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और तो इसका आंसर क्या हो जाए, बहुत लोगों ने अलग अलग तरीके से इस आंसर को दिया हुआ है। तो सडन फॉल जो होता है तो पॉसिबल साइक्लोन को बताता है, फर्स्ट वन। ग्रेजुअल फॉल से हो जाता है, पॉसिबिलिटी ऑफ रेन होती है। ग्रेजुअल राइज से होता है, ड्राई वेदर टाइप का होता है, और सडन राइज से होता है एक्सट्रीम ड्राई वेदर। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ड्यूरिंग वेरी कोल्ड वेदर तो एक्सपेंशन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्सपेंशन ऑफ वाटर हेल्प्स इन प्रिजर्विंग द एक्वेटिक लाइफ। विच ऑफ फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस, तो इसमें सारे ही हैं ग्रीन हाउस गैस है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ई। इन बार्बर सोप टू प्लेन मिरर्स आर क्लैश, तो कभी भी शेविंग कराने जाना तो आप देखना कि दोनों जो प्लेन मिरर होते हैं एक एक दूसरे के पैरेलल खड़े रहते हैं। हेयरिंग फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ कैट इज, अब इसमें जो है जो हेयरिंग फ्रीक्वेंसी रेंज होता है कैट का, वो होता है 48 हर्ट्ज टू 85 किलो हर्ट्ज। तो अब मोस्ट नियर नियर अबाउट जो है वो ये वाला है, लेकिन चूंकि ये भी करेक्ट आंसर नहीं है तो आई विल गो विथ ऑप्शन ई। अभी इसमें बीपीएससी ही बता पाएगा कि वो सी को ले रहा है, नियर अबाउट को ले रहा है या फिर ई को ले रहा है। हालांकि अगर सी को लेगा तो दैट विल बी चैलेंज और आंसर विल बी ई ओनली। व्हेन ए बार मैग्नेट इज प्लेस्ड इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विद इट्स नॉर्थ पोल पॉइंटिंग टू अर्थ द जियोग्राफिकल नॉर्थ, तो जब भी ऐसा होगा जो नॉर्थ पोल जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा तो न्यूट्रल पॉइंट जो बनेंगे वो दो। विच हैज बिकम द ओनली सिटी इन द इंडिया इन 2020 टू बी रिकॉग्नाइज एज द ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, तो ये ट्री सिटी यहाँ तो आंसर हैदराबाद हो जाएगा, लेकिन रिसेंटली मुंबई को भी शामिल किया गया है, तो मुंबई और हैदराबाद दो सिटी हो जाएंगे, यहाँ आंसर ई हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020, द सबसे जो मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी है वो है न्यू दिल्ली। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, तो ये मेजर ध्यानचंद 15 अगस्त के दिन मोदी जी ने किया था। रिच कंट्री ओन द हाइस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स इन टोक्यो, फाइनली लास्ट में यूएसए ने चाइना को पीछे छोड़ के सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते थे टोक्यो ओलंपिक 2020 में। तो 125 पे बढ़ते हैं। अंडर द मास्क, तो ये अरब यूनाइटेड अरब अमीरात जो पहला अरब कंट्री था, पहला गल्फ कंट्री था जिन्होंने अपना सैटेलाइट स्पेस का मास पे भेजा है। इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रोवाइड फ्री सैनिटरी, तो स्विट्जरलैंड में ऐसा किया गया है जहाँ पे महिलाओं को फ्री सैनिटरी नैपकिन दी गई है। क्वाड काफी फेमस रहा, तो यहाँ पे अगेन सी इज द करेक्ट आंसर, यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान। विच द फॉलोइंग डिसाइड द नोबेल पीस प्राइज, नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी है वो नोबेल पीस प्राइज के पर डिसाइड करती है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 129, नगोजी ओकोंजो इवाला बिकेम द फर्स्ट वुमेन ऑफ द वर्ल्ड एंड द फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द वर्ल्ड डब्ल्यूटीओ, तो सी हेल्स फ्रॉम विच कंट्री, तो सी इज फ्रॉम नाइजीरिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तालिबान हैज चेंज द नेम ऑफ अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान का तालिबान ने नया नाम रखा है इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। हु हैज ओन द यूएस ओपन मेन सिंगल्स ग्रैंड स्लैम 2021 बाय डिफीटिंग सर्बियन वर्ल्ड नंबर वन, अब सर्बिया के जो वर्ल्ड नंबर वन खिलाड़ी हैं उनका नाम है नोवाक जोकोविच, अब उनको किसने हरा के जीता था, तो ये डेनियल मेदवेदेव। तीसरे से पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, ये भाई साहब का नाम सुना नहीं, तो इधर ए और सी में आप ऑप्शन खेल लेते कि ई इज द करेक्ट आंसर। विच फार्मास्यूटिकल, और डी इसलिए नहीं होता कि कोई अपने आप को कैसे हरा सकता है। विच फार्मास्यूटिकल कंपनी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी मैन्युफैक्चर्स कोविशील्ड वैक्सीन इन इंडिया, तो एक कोविशील्ड काफी फेमस रहा पिछले साल और इसकी वजह से भारत में दुनिया के नक्शे पे सबसे ज्यादा वैक्सीन प्रोड्यूसर के रूप में शामिल हो। तो यहाँ पे सी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पीवीटी लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड। मूविंग ऑन, सीपीएसई प्रोजेक्ट भारत से काफी विरोध करता रहा है क्योंकि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर गुजरता है। सीपी ईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज द करेक्ट आंसर।
इंडियाज फर्स्ट किसान ऑल, ये क्वेश्चन यूपीपीएससी 2020 में पूछा गया। इसमें कम से कम यूपीपीएससी 2020 जो हुआ था उस तीन चार करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डाले गए हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा देवलाली टू दानापुर। फ्रॉम हु फ्रॉम बिहार हैज बीन कंफर्ड पद्म भूषण, पद्म भूषण रामविलास पासवान जी को 26 जनवरी 2021 को दिया गया था पोस्टमोर्टम। हाउ मेनी फ्रॉम बिहार वेयर कन्फर्ड पद्मश्री अवार्ड, पद्मश्री कितने लोगों को दिया गया था? तो पद्मश्री चार लोगों को, एक एक को पद्म भूषण मिला था, तो टोटल पांच लोगों को पद्म अवार्ड मिले थे, लेकिन चार को पद्म अवार्ड मिला था। अगेन पद्मश्री क्वेश्चन है, वो है हु फ्रॉम बिहार वाज कन्फर्ड द पद्मश्री अवार्ड फॉर द ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन ऑन 26 जनवरी 2021। तो ये डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को मेडिसिन के फील्ड में अतुलनीय कारनामे के लिए दिया गया था पद्मश्री अवार्ड। Who from Bihar had received the Paramvir Chakra for exemplary bravery in 1971 Indo-Pak War? Albert Ikka ji ko ye PVC, PVC bhi hai. Paramvir Chakra, PVC, Albert Ikka. Who of the following from Bihar has received Dada Sahab? और इनको दादा अशोक कुमार, इनको दादा मुनि के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म भागलपुर में हुआ था और ये बीते जमाने के, इनको 1988 में ये दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था। बीते जमाने के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं अशोक कुमार। विच इंडियन जर्नलिस्ट, और ये रवीश कुमार जी हैं एनडीटीवी पे काम करते हैं, इनके भाई ब्रजेश कुमार पांडे जिन पे बलात्कार का आरोप भी लग चुका है और वो कांग्रेस के, बिहार कांग्रेस के नेता भी हैं। ब्रजेश कुमार पांडे पिछला इलेक्शन भी लड़ा था लेकिन हार गए थे, और उन्हीं के भाई है रवीश कुमार पांडे जो एनडीटीवी पे काम करते हैं और एक अलग तरह की पत्रकारिता कह लीजिए या फिर कुछ और कह लीजिए, बस उसी के लिए जाने जाते हैं। तो इनको 2019 में मैग्सेसे अवार्ड मिला हुआ था। नेक्स्ट वन इज विच पुअर गर्ल फ्रॉम बिहार इज द रेसिपिएंट ऑफ वुमेन्स क्रिएटिविटी इन रूरल लाइफ अवार्ड कन्फर्ड बाय द वुमेन्स वर्ल्ड समिट फाउंडेशन फॉर अपलिफ्टिंग आवर कम्युनिटी। ये छोटी कुमारी सिंह जो मुसहर कम्युनिटी से आती हैं, इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ इंटरनेशनल धम्म कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज बाय इंडिया फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद नालंदा यूनिवर्सिटी ऑन 27-28 जुलाई 2019, और इसका होस्ट सिटी था राजगीर। ये इज द करेक्ट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम बिहार हैज बीन कन्फर्म भारत रत्न, तो भारत बिहार से इसमें से दिए गए राजेंद्र प्रसाद को ही मिला हुआ, नीतीश कुमार, कर्पूरी ठाकुर, हालांकि रामविलास पासवान को भारत रत्न देने की मांग की जा रही है। इन टोक्यो हाउ मेनी मेडल्स वन इन टोक्यो ओलंपिक, तो टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत ने 19 मेडल जीते थे। अगेन दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन व्हिच वाज कैंसिल्ड ड्यू टू लीक, पेपर लीक। ये भी क्वेश्चन उसमें पूछा गया था, यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट रेफर्स टू द ऑनगोइंग रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट टू रिवैम्प द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया लोकेटेड नियर रायसीना हिल न्यू दिल्ली। गुड गवर्नेंस डे, ये भी क्वेश्चन यूपीपीएससी 2020 में पूछा गया था, और यहाँ पे आंसर है 25 दिसंबर, जो कि जन्मदिन है अटल बिहारी वाजपेयी का और महामना मदन मोहन मालवीय जी का। हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन द वर्ल्ड इज बिल्ट ओवर विच टू फॉलोइंग रिवर, तो चेनाब रिवर पर दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे ब्रिज बनाई जा रही है। Who among the following launched One Nation One Ration Card scheme under National Food Security? तो ये रामविलास पासवान जी ने स्टार्ट किया था और वो सिर्फ फॉरेस्ट में के लिए था और वो भी पायलट प्रोजेक्ट पे था, मतलब अगर वहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा तो उसको ऑल इंडिया में लगाया जाएगा। मिशन इंद्रधनुष, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो ये बेसिकली इम्यूनाइजेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रेन एंड प्रेगनेंट वीमेन से रिलेटेड है, तो यहाँ भी सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट इज इन विच स्टेट हैज द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI अनअर्थ 1900 ईयर ओल्ड बुद्धिस्ट मोनास्ट्री, तो ये झारखंड में मिला हुआ है। तो ये आंसर की रहा, अब कुछ ये कट ऑफ की बात कर लेते हैं फ्रेंड। कट ऑफ जो जनरल मेल के लिए होगा वो 97 प्लस माइनस 3 रहेगा, 97 प्लस माइनस 3 रहेगा। देखिए सीट काफ़ी कम है, पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट था तो कह सकते हैं, बट फिर भी प्लस माइनस 3 97 जनरल मेल के लिए, और जनरल फीमेल के लिए 90 प्लस माइनस 3, तो
93 और जिनका 87 से 93 के बीच में आ रहा है वो आराम से तैयारी कर लें। ये जनरल फीमेल के लिए है और उसी के अकॉर्डिंगली आप अपना कट ऑफ तैयार कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सेशन। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल फॉर बीपीएससी 67 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।